गुरुवर, दीपावली हमारे संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष का बाजार है वो एक नवविवाहित दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है, उसकी उमंग, उसका उल्लास एक नवविवाहित दुल्हन की तरह होता है। वर्तमान परिवेश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन के माध्यम से आ रही हैं, उसकी जो नवविवाहित दुल्हन है उस समय से पहले ही उसने पिछले 2-3 सालों में इस ऑनलाइन बाजार में उसको अधेड़ अवस्था में पहुंचा दिया है। और वर्तमान विसंगति इस साल की तो ऐसी है कि दुल्हन सूनी विधवा की तरह सूनी मांग हो गया, बाजार पूरा बाजार सुनसान है, बाजार सजा हुआ है लेकिन ग्राहक नहीं है। इसमें कुछ अगर इजाजत हो तो आंकड़ों के थ्रू बताना चाहूंगा। बोलो बोलो। पिछले 3 से 4 साल में हमारा भारतीय बाजार में लगभग 1.5 करोड़ खुदरा व्यापारी है। एक परिवार में अगर हम मान के चले 5 लोग पलते हैं तो 7.5 करोड़ का निर्वाह होता है, फिर उन पर कई कर्मचारी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लगभग ये आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंचता है। करीबन 18% भारतवर्ष में परिवारों की रोजी रोटी खुदरा व्यापार से चलती है। इसमें अगर शोरूमों की तादाद, रिटेल चेन की तादाद मिलाते हैं तो 25 करोड़ से भी ऊपर ये तादाद चली जाती है। पिछले 4 सालों में Tier 2, Tier 3 मतलब जो छोटे शहर है, रतलाम जैसे या मंदसौर जैसे, ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष में 500% की दर से ये पूरा बढ़ रहा है ऑनलाइन व्यापार। और वर्तमान विसंगति सबसे बड़ी महाराज ये है कि दोनों बड़ी कंपनियां अमेरिकन हैं, सारा पैसा विदेश जाता है। हमारा वर्तमान परिवेश, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, लोगों से मिलना जुलना, प्रेम भाव, ये व्यापार सब खत्म हो रहा है। ये कंपनियां भविष्य में मजबूरन, अभी 4 साल के करार के बाद अभी बालमाड़ का एक करार हुआ है फ्लिपकार्ट से, हिंदुस्तानी कंपनी थी, देसी कंपनी थी, लेकिन उसका करार हो गया, 4 साल बाद ये IPO ले आएंगे तो जो किस गति पे जाएगा। सन 2022 तक जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 3100% की दर तक ये मार्केट पहुंच करके 45 से 50% मार्केट कवर कर लेगा। इतने बड़े संपूर्ण भारतवर्ष का अगर आधा बाजार ऑनलाइन में जाएगा और पैसा बाहर जाएगा तो महाराज जी तो धुरी खत्म हो जाएगी व्यापार की, कितने लोगों को बेरोजगारी, कितनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। मेरी शंका तो यही है महाराज कि संस्कृति खत्म हो जाएगी, कल्चर खत्म हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा तो कैसे क्या होगा। ये शंका नहीं, पीड़ा है और इसे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आजकल लोगों ने सुविधा को प्रमुखता दे दी है पर उसके पीछे की भावनाएं समाप्त हो गई है। यही कंज्यूमरिज्म है, बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का ये दुष्परिणाम। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम जो चीजें ऑनलाइन मिलती है और वही चीजें हमें मार्केट में मिलती है तो हमें मार्केट में ये सोच करके खरीदना चाहिए कि इससे कम से कम मेरे थोड़े से अंशदान से कईयों का परिवार पलेगा। ये ऑनलाइन का चक्कर बिल्कुल खत्म है, इसे बंद करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि संकल्प लो, जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सके पहुंचाओ, और ये तथ्य जिस तरीके से तुमने प्रस्तुत किए वो तथ्य दो कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 300 साल तक गुलाम बना के रखा, आगे ऐसी तो हजारों कंपनियां, हम कहां जाएंगे। जागरूकता की जरूरत है, इस ऑनलाइन की परंपरा को बंद कीजिए और आप लीजिए, देखिए किनके किनके साथ है। बीच में तो लोगों ने सब्जियां भी ऐसा बेचना शुरू कर दिया था, उसके लिए बड़े बड़े मॉल खोल लिए थे। हमारे रोजी रोजगार चलाने वाले छोटे छोटे लोगों के मुंह से कॉर्न निवाले उनने छीन लिए थे, हालांकि वो नहीं पनपे क्योंकि इतने लोगों की हाय लेकर चलने वाला व्यक्ति पनप नहीं सकता। हमें इन पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए और लोगों के मन में संवेदना होनी चाहिए कि मैं अगर 1 रुपए की चीज लेता हूं और उसमें यदि किसी को 5 पैसे का लाभ होता और उसे एक परिवार पलता है तो मेरे 5 पैसे से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा पर उसका पूरा परिवार बच जाएगा, परिवार संभल जाएगा। हमें वो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अगर दृष्टि होगी तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपने जो बात कही है इसे जन जन तक पहुंचाइए, जन जन तक फैलाइए ताकि लोग सोचें और जो हमें बाजारों में प्राप्त होता है हम उसको प्रमुखता दें अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ऑनलाइन 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 के कंसेप्ट से अपने आप को बचाएं, ये एक समय की आवश्यकता है, इसका हर मंच से उद्घोष होना चाहिए, सभी को इसकी जानकारी देनी चाहिए।